है इस वर्डिक्ट का जो आया है, जो वर्डिक्ट आया है, मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी नज़र में ये जो है ना विक्ट्री ज़रूर है बीजेपी के लिए, मगर इस वर्डिक्ट से ज़रूर जो एलिनेशन जो बढ़ चुका है मुस्लिम कम्युनिटी में खासतौर से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई जिस तरीके से बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है, इतनी नफरत का जो माहौल पैदा किया गया है ख़ासतौर से मुस्लिम अखिलियत के खिलाफ, तो ना तो नौकरियों की बात हुई, ना रूरल डिस्ट्रेस के ऊपर भी गौर किया गया, और हद तो ये है कि अब एक टेरर एक्यूज भी कामयाब हो, जिसको टेरर एक्यूज का केस चल रहा है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगी। तो ये है वर्डिक्ट है, हम आवाम का वर्डिक्ट है उसको एक्सेप्ट करते हैं, और मैं वादा कर रहा हूँ हिंदुस्तान की आवाम से और हैदराबाद की आवाम को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी मरतबा इतनी बड़ी भारी मेजॉरिटी से कामयाब किया। हम मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, और यकीनन बीजेपी को हम सवालात करेंगे सरकार से, उनको एक्सपोज करेंगे, और मुझे यहाँ पर जो पहली स्विस कनाल क्राइसिस का जो हुआ था उस वक्त एटले ने कहा था कि व्हाट अ टाइम टू फाइट बैक, तो ये वक्त है फाइट बैक करने का और इस मुल्क के उस कॉम्पोजिट कल्चर को बचाने का, क्योंकि इलेक्शन तो होते रहेंगे और प्रधानमंत्री लोग बनेंगे, एमपी बनेंगे, चले जाएंगे, मगर इस मुल्क की जो खूबसूरती और ताकत है वो उसका कॉम्पोजिट कल्चर है, जो यकीनन बीजेपी की कामयाबी के बाद उस कॉम्पोजिट कल्चर को, डाइवर्सिटी को यकीनन खतरा है, और हम उसको महफूज रखेंगे, उसके लिए मुकाबला करेंगे। यकीनन आप सही कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश शुदा में नतीजा नहीं आया, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। संजय जी, आप कैसे कह सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय में अलगाव पैदा हुआ है, इसकी वजह से एलिनेशन पैदा हुआ है, क्या ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं मोदी को जो खान मार्केट है उसमें सेंध लगी है कहीं ना कहीं, और मुस्लिम वोट भी स्विच हुआ है बीजेपी की तरफ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि ये अलगाव की तरफ को, एलिनेशन की तरफ को जो है ये दिखाया? खान मार्केट को खान मार्केट इसलिए रखा गया था क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनको बचाने वाले का नाम खान था। अब आपको इससे आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकता तिवारी साहब। दूसरी बात यह है कि कितने मुसलमान एमपी जीते बीजेपी की तरफ से, आप बता दीजिए ना, ये भी तो बता दीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना है ना रहेगा। हमारे देश में हिंदू वोट बैंक है और रहेगा। उसी वोट बैंक को कैटर करने के लिए गलतफहमियां और नफरत की फिजाओं को इजाफा किया गया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मैं इस वर्डिक को मानता हूँ, मगर ये वर्डिक कैसे आया उसका मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। सर, थर्ड फ्रंट की आप बहुत ही वकालत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे थे, लेकिन थर्ड फ्रंट तो क्लीन बोर्ड हो गया। क्लीन बोर्ड नहीं हुआ है। देखिए कहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज हैं, किसी हद तक तेलंगाना में टीआरएस ने उनके बढ़ते खत्मों को रोका, यकीनन उनको दो तीन जगह पर कामयाबी मिली, केरल में उनको कामयाबी नहीं मिली, पंजाब में नहीं मिली, पंजाब में सिख भाई हैं, तमिलनाडु में, तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक की जो बात कर रहा था तो उसी वोट बैंक के नतीजे में बीजेपी को कामयाबी मिली। बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक फ्रंट है और वो फ्रंट का नाम ये होगा कि हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर को बचाना, वही फ्रंट काम करेगा। सर, राहुल गांधी हार गए एमपी से। दो सवाल है सर। पहला कि यूपी में आपने कहा रीजनल पार्टी जहाँ जहाँ पर एक्टिव थे वहाँ बीजेपी को बढ़त नहीं मिली, लेकिन यूपी और बिहार में अच्छी खासी बढ़त बीजेपी को मिली। दूसरा सवाल, राहुल गांधी अमेठी हार गए, उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की। राहुल गांधी अमेठी हारने के बाद उन्होंने, अब भाई, अब मैं इस पर किसी के पार्टी के अंदरूनी मामला तो मैं क्या कह सकता हूँ, मगर ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहाँ जहाँ माने 180 सीट्स पर, जहाँ पर 180 और जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ वहाँ पर तो कांग्रेस 10 सीट में जीत पाई। राजस्थान पूरा 25 बीजेपी ले गई। मध्य प्रदेश में आप देखिए, गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये तो उनको सुनना पड़ेगा।
बीजेपी की चार क्या मानते हैं जिस तरीके से बड़ी हार हुई है विपक्ष की, एकजुट रहा लड़ने के लिए काबिल था, तो अभी कहाँ पर खामियां थी, कहाँ पर गलतियां हुई? अभी अभी ये बड़ा सब्जेक्टिव थियोरेटिकल आंसर देना पड़ेगा मुझे, बात में करेंगे इसके लिए टाइम है, मगर जो वर्डिंग आया हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मगर इस वर्डिंग के पीछे हम ये कह रहे हैं कि ये चीजें हैं। सर सर बीजेपी सर मैसिव प्रोस अगेंस्ट मोदी, देयर वर 21 ऑपोजिशन लीडर्स विद अ लॉट ऑफ इश्यूज लाइक राफेल एंड अदर थिंग्स, व्हाट डू यू थिंक वाज द एक्चुअल रीजन फॉर मोदी टू, वाज इट द बालाकोट स्ट्राइक और द इन्फ्लक्स ऑफ नेशनलिज्म, व्हाट वाज डेफिनेटली द बीजेपी वाज वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दिस फियर अबाउट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। बीजेपी हैड डेफिनेटली क्रिएटेड दैट नैरेटिव ऑफ नेशनलिज्म, you know, and they have created this fear of Muslim minority. I mean, nowhere in the world a minority is a threat. But these are definitely issues wherein BJP really used it for their advantage. Sir, BJP ke sir, sir, ek puri siyasi jamaat thi jo EVM par sawal utha rahi thi. Aapka ek to ye sawal hai ki aapka ispe kya raha hai? Jo EVM pe sawal utha rahe hain. Pramod saab, aap Pramod saab, dekh pehla sawal. Maine kya EVM par sawal utha? Aap bata dijiye kahin par. आप भी मुझसे सवाल करिए, मुझसे मैं जो कहा हूँ या नहीं कहा हूँ या कहकर वो कर गया उससे सवाल करिए। ऐसे जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप एक मेरा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि वीवीपैट सिर्फ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ना हो बल्कि 100%, ये मेरा मानना है। ईवीएम की रिगिंग नहीं हुई है, हिंदू माइंड की रिगिंग हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से आपकी जीत हुई है सर, आप महाराष्ट्र में आपका पहला एमपी है, आपने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में भी अच्छा परफॉर्म किया था, आपका एक सांसद भी है आपके साथ एक और नहीं, औरंगाबाद में अगर आप जो कह रहे हो अभी रिजल्ट क्लियर हो चुका है तो ये तो सोचना पड़ेगा इन नाम यहाँ सेकुलर पार्टियों को जो एक मुसलमान को भी टिकट नहीं देते। इम्तियाज जलील की कामयाबी अगर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो तो पैगाम दे रही है कि मुसलमान को आप टिकट दे सकते हैं और जीत भी सकता है। अब इनको सोचना पड़ेगा कि जो हमको गाली देते हैं वोट कटवा, एक तरफ बीजेपी के मानने वाले एंटी नेशनल या खान मार्केट ग्रुप, अब इनको सोचना पड़ेगा कि जीत सकते ना, टिकट देना पड़ेगा, टिकट देंगे जीतेंगे। प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा दिया और बकायदे उस पर टेक्स्ट किया गया है कि अब हम हटा रहे हैं लेकिन चौकीदार हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम काम करेंगे। प्रधानमंत्री और आने वाली सरकार को ये कहेंगे कि आपको वर्डिक्ट मिला है और हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और हमारी जो जिम्मेदारी है आवाम की तरफ से उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। हिंदुस्तान के संसद में जाकर और सरकार को एक्सपोज करेंगे। देखिए जमहूरियत में हमको जब कामयाबी मिली है हम हरगिज़ ये नहीं देखेंगे कि उनके पास 300, हम ये देखेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिम्मेदारी निभाएंगे और इस सरकार को चुपते हुए सवाल करेंगे। ये छुप नहीं सकते अपनी मेजोरिटी के पीछे, हमको संविधान को बचाना है और देश में जो अहम सवाल आते हैं उनको उठाएंगे। सर 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 इधर भी एक सवाल ले लीजिए सर, व्हाट इज एमआईएम एक्शन प्लान इन औरंगाबाद, किशनगंज एंड प्लेसेस वेयर इट हैज कॉर्पोरेटर्स ऑलरेडी, व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन प्लान ऑफ एमआईएम? यू नो गेटिंग 3 लाख वोट्स इन किशनगंज, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज गिव्स अस होप एंड एनकरेजमेंट, वी विल टेक इट फॉरवर्ड, वी विल नॉट कीप क्वाइट, यू सी, एंड नाउ आई विल डेफिनेटली कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन यूपी। I have not contested elections in UP or in Maharashtra. Despite that, you know, this false allegation on me that I, because of me, BJP wins, now it has been proven wrong. So I will take it more forward. I will go now to every part of India and strengthen my party. सर 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 तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली और टीआरएस नाकाम रही रोकने में, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं नहीं नहीं, टीआरएस ने बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोका है और इंशाल्लाह ताला हम टीआरएस के साथ है और रहेंगे और हम तेलंगाना में इंशाल्लाह जो एक तेलंगाना का जो एक पुरमन माहौल है उसको हम और मजबूत करेंगे। यहाँ पर बीजेपी के बढ़ते कदमों को हम रोकेंगे, कांग्रेस पार्टी को भी रोकेंगे और हमको पूरा एतमाद है कि केसीआर तेलंगाना को और तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे। Now at this point of time I cannot give a very theoretical answer. You know, things will come out maybe in a day or two or 3 days, then the country will know what needs to be done. But your question has to be answered by the Congress party, by the other regional parties. Not for a twinkle little star like that.
मोदी जी पर लगातार आरोप लगता रहा चौकीदार चोर है। अभी पहले उन्होंने मैं हूँ चौकीदार का लगाया था अपने नाम के संग, अभी थोड़ी देर पहले चौकीदार का टाइटल हटा लिया है, क्या कारण आपको लग रहा है? अभी जनता ने भरोसा दिया इतना जो ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री दिखते हैं, क्या कुछ कारण आपको दिखाया? मैंने हमारे प्रमोद तिवारी साहब जो ANI के जिम्मेदार हैं उनके पहले सवाल में मैंने उसका रीज़न बता दिया। फिर हमारे तिवारी साहब ने खान का नाम लेकर सवाल किया, उसमें मैंने उसको आपको और सब्सक्राइब करा। सर, ये जो तो अब मैंने समझा था कि बार बार चौकीदार टाइटल है उसको चौकीदार टाइटल लगाया था अपने नाम के आगे, अभी उसको भी हटा दिया। हाँ, अब नया लगा लेंगे, कोई बात नहीं उनके लिए। नाम लगा लेना, ऐनक लगा कर तपस्या करना तो करते रहते हैं ना, कोई नई बात नहीं। फिर कोई नया काम कर लेंगे, टनटनाटन करेंगे, क्या करेंगे? आपने जैसे शुरुआत में शब्द का इस्तेमाल किया एक तरह से एलिनेट शुरू हुआ है मुस्लिम का, क्या आप समझते हैं ये वर्डिक्ट जो है वो मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है? तिवारी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नेशनल टीवी पर लेकर आया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मुसलमान जीते BJP से, ये बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। अब फिर मुझे सवाल करिए भाई, अगर कोई नहीं जीत रहा है तो फिर आप किसको केटर कर रहे हैं? फिर आप बोलते सबका साथ सबका विकास, बताइए ना। फिर आपने तो जो माहौल पैदा किया है यही तो माहौल है। अच्छा, यूपी में जितने भी लोग जीते वो तो जीतने वाले कैंडिडेट थे, इंडिविजुअली उनका एक मुकाम इसलिए जीत गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी जमहूरियत मेजोरिटेरियन फॉर्म के ऊपर जा चुकी है, क्या ये हमारी देश के लिए, और जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, हमारे फोर फादर्स ने कहा था कि मुल्क की डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, शराकतदारी की होगी, तो शराकतदारी कहाँ है? यही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं, ये तो सवाल सबके लिए है, इनको सोचना चाहिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोस्त जगन को और बड़ी शानदार उनको कामयाबी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि जो 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 बोझ आंध्र प्रदेश की आवाम उन पर उनके कंधों पर रखी है उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। हमारा ताउन उनके साथ है, हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद वाइस राजशेखर रेड्डी से भी अच्छा काम करेंगे आंध्र प्रदेश के गरीब आवाम के लिए, और वो आंध्र प्रदेश को नई राह पर लेकर जाएंगे जो चंद्रबाबू नायडू नाकाम साबित हुए। सर, यू सेड मुस्लिम एलिनेशन हो रहा है और मुस्लिम लोगों का एलिनेशन और ज़्यादा हो जाएगा, सो विल असदुद्दीन ओवैसी वो ऑल्सो इज अ प्रेजिडेंट ऑफ अ मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी, विल ही अलाइन विद अदर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी लाइक SPPI, IUMS एंड मेक श्योर दैट द कॉम्प्लिकेशन ऑफ नो फॉरगेट अबाउट ऑल दोस पार्टीज, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट। माय बेसिक क्वेश्चन इज दैट आई हैव नॉट कंटेस्टेड इन UP, आई ओनली कंटेस्टेड वन सीट इन बिहार। महाराष्ट्र भी पार्ट ऑफ वंचित बहुजन अघाड़ी अंडर बजर प्रकाश अम्बेडकर, आई वॉन्ट टू थैंक हिम ऑल्सो, बट फॉर हिम आई डोंट थिंक सो वी वुड हैव बीन एबल टू विन औरंगाबाद सीट। द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट नाउ आई विल नॉट लिसन टू दिस टॉक एंड दिस बेसलेस एलिगेशन विच वॉज मेड अगेंस्ट मी एंड माई पार्टी। वी विल नाउ गो फुल अहेड एंड फाइट, बिकॉज नाउ इफ द अदर साइड इज कंप्लीटली टर्निंग टूवर्ड्स अ मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी एंड देयर and they are very blatant in it, that doesn't, why should I stop now? I will also go ahead and contest and ensure that the at least minimum Muslim political participation representation should be there, otherwise what is this democracy there? If you don't have the diversity of this country represented, if you only have only chowkidars, then what about other marginalized communities? That is not good for a democracy. Sir, you are saying that Pashim Bangal mein Mamta versus Modi aur Amit Shah the aakhri chunav hua usme usse pehle hinsa bhi hui और जिस तरीके से BJP को भी वहाँ पर एक अच्छी बढ़त मिल रही है, अच्छी सीटें मिल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, एक हम इन तमाम बड़े बड़े नेताओं को एक बात समझाना चाह रहे हैं, आप हमेशा डर की सियासत पर हासिल नहीं कर सकेंगे, आपको ग्राउंड पर कुछ करना पड़ेगा माइनॉरिटीज के लिए, आप सिर्फ डरा डरा कर नहीं कर सकते। देखिए, डराए क्या हुआ, ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, इन सबको सोचना पड़ेगा। एक तो सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़िए, अगर आप नेहरू के सोशलिज्म को मानते हैं तो उस पर चलिए, अगर आप वाकई में कुछ करना चाहते हैं माइनॉरिटीज़ के लिए तो करिए ग्राउंड के ऊपर, एजुकेशन में करिए, हेल्थ में करिए, सिर्फ ये डरा डरा कर और हासिल करने का टाइम चलेगा। अब मैं तो इस इलेक्शन के बाद हर जगह पर जाने वाला हूँ, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, हम हर जगह जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। और आप लोगों का शुक्रिया, आप तो हमको एक हमेशा एक टाइटल दे दिए कि भड़काओ भाईजान, अब भड़काओ भाईजान जाएंगे इंशाल्लाह। सर, you require enough political participation, that is not there. You must ensure that this whole environment which is creating suspicion and hatred for Muslims should come down. It is not we the Muslims who are responsible for this, and the other political parties understand this.
सर इतिहास सर इतिहास जलील साहब इतिहास जलील साहब कामयाबी हासिल करें तो आप औरंगाबाद में क्या मनसूबाबंदी है आपकी? औरंगाबाद में तरक्की करेंगे, औरंगाबाद में डेवलपमेंट कराएंगे इम्तियाज जलील इंशाल्लाह ताला। सर सर और सवाल है, व्हाट इज असदुद्दीन ओवैसी? क्या वजह है मुस्लिम एक एक ए इनको बोल सर, इस असदुद्दीन ओवैसी का न्यू फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम। हां, इस असदुद्दीन द फेस ऑफ इंडियन मुस्लिम। असदुद्दीन ओवैसी विल इज एंड विल बी द फेस ऑफ इंडियास कॉन्स्टिट्यूशन। जस्ट मैडम आपने कुछ नहीं पूछा। सर तेलंगाना के क्या वजह है, क्या वजूहत आप समझते हैं इस वजह से तेलंगाना में उसका परफॉर्मेंस पिछले की दफे इस बार थोड़ा सा कम हुआ है? 8 सीटें जीत रही है तेलंगाना टीआरएस पिछले दफे के मुकाबले। क्यों 16 सीटें जीते? कहां कम? 8 का 9 जीते। अरे 9 जीते हैं आप, फिक्र। हम आपको यकीन दिला रहे हैं कि 2023 में दोबारा केसीआर आएगा, दोबारा आएगा इंशाल्लाह ताला। ये थोड़े बहुत कमजोरियां हैं यकीनन। केसीआर एक बहुत ही सीनियर सीजन पॉलिटिशियन है, उनको मालूम है और मुझे उनको जो बोलना है मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, उनसे मिलके बोलूंगा, ड्राइवर बोले। लेकिन सर आप मानते हैं कि फेडरल फ्रंट की हवा निकल गई? जो कोशिश कर रहे, कोई हवा नहीं निकली, कोई हवा नहीं निकली। याद रखिए बीजेपी के भी दो एमपी थे एक जमाने में। पावर इज नॉट इटर्नल, कल तक जो थे आज नहीं है वो। तो फिक्र मत करिए, ऐसा मत समझिए कि भाई ये आए पावर जमहूरियत है, कोई बादशाहत नहीं है। आज है कल नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, हम एक्सपोज करेंगे, हम सवाल करेंगे और आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला एक साल डेढ़ साल में फिर से माहौल बदलेगा। इनको इनको अब बहुत काम करना पड़ेगा। अब ये दोबारा उस तरह से के चौकीदार बोल दिए या फिर कुछ और बोल दिए नहीं चलेगा। अब इनको काम करना पड़ेगा और हम पूछेंगे इनसे, एक्सपोज करेंगे, सवाल करेंगे, लड़ेंगे हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाकर। हाँ बोले प्रसाद साहब ने पूछे, मोदी ने बोला है कि अब इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा इसके बाद। अरे इंक्लू लफ्ज इंक्लूसिव जो है ना मिस्टर मोदी के डिक्शनरी में है ही नहीं, एक्सक्लूसिव है उनके डिक्शनरी में, है ही नहीं इंक्लूसिव, कहाँ है।